नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टिप्स में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फसलों में लगने वाले सभी प्रकार के रस चूसक कीटों के लिए UPL का रेनो और ट्रॉपिकल की मैजिक प्लस कीटनाशक के बारे में, थायोमिथॉक्सन 30% FS के बारे में। बहुत से किसान भाई पूछते हैं कि धान में BPH कंट्रोल के लिए इसका स्प्रे कर सकते हैं या नहीं, तो उनका जवाब है हाँ जी, कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके। कुछ किसान भाइयों का कहना है कि जहाँ पर BPH का अटैक ज़्यादा है वहाँ एडामा किस्म का, सिजेंटा की चेस और PI की ओसिन के साथ डाल सकते हैं कि नहीं। तो किसान भाइयों, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज की वीडियो में हम ट्रॉपिकल की मैजिक प्लस UPL की रेनो कीटनाशक के बारे में बात करेंगे, जो कि पौधों के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में सभी प्रकार के रस चूसक कीटों को बहुत ही बढ़िया ढंग से कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसे बीज उपचार के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रॉपिकल की मैजिक प्लस और UPL का रेनो यह है एक शक्तिशाली कीटनाशक है और इसमें टेक्निकल है थायोमिथॉक्सन 30% FS, जो संपर्क और पौधों के माध्यम से रस चूसक कीटों पर अटैक करता है। किसान भाइयों, जानते हैं कि धान में कौन कौन से कीटों को नियंत्रण करता है। धान में यह ब्राउन प्लांट होपर, वाइट बेक प्लांट होपर और ग्रीन लीफ होपर को कंट्रोल करता है। धान के अलावा कपास की फसल में एफिड जेसिड और वाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है। मक्का और सोयाबीन की फसल में स्टेम फ्लाई को कंट्रोल करता है। अब इसकी मात्रा की बात करते हैं। धान में यह 250 ml प्रति एकड़ है। यदि धान में BPH का अटैक ज़्यादा हो गया हो तो आप सिमका या चेस्ट के साथ इसकी मात्रा 200 ml प्रति एकड़ कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी का थायोमिथॉक्सन 30% FS डालें तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप स्प्रे में 200 लीटर पानी का ही उपयोग करें। किसान भाइयों, इसका रिजल्ट 15 से 17 दिन रहता है। इसका पैकिंग साइज आता है 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर, और इसकी 250 ml की कीमत है 400 रुपये। उम्मीद करता हूँ कीटनाशक के बारे में दी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।